रिहान, मोहम्मद रिहान, गांव हमीरा का। माशाल्लाह, इस मदरसे में कितने साल हो गए आप पढ़ते हुए? तीन। तीन साल जी, क्या बात है। तो क्या पढ़ रहे हो, कौन सी क्लास में हो? एट्थ। एट्थ नहीं मतलब क्या पढ़ते हो, अरबी पढ़ते हो या हिफ्ज? हिफ्ज पढ़ते हो। कितने पारे हुए? बीस। बीस, तो आप मुझे थोड़ा सा बस सूरह माउन सुना के दिखा दो। सूरह माउन जानते हो? सूरह माउन किसे कहते हैं? हाँ पढ़ो। शाबाश। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم। माशाल्लाह बहुत अच्छा। अच्छा मैं कुछ इंग्लिश में कुछ सवालात करूंगा आपसे, मतलब छोटे छोटे जो भी हमारे रोजमर्रा के जो जुमले होते हैं वही बस, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं मदरसे में खाना खाता हूँ। आई एम ईट इन मदरसा। खाने की क्या है? फूड। आई एम ईट फूड इन मदरसा। और मैं हिफ्ज करता हूँ। आई डूइंग हिफ्ज। मुझे मदरसे में दो दिन हो गए। मुझे मदरसे में दो दिन हो गए, इस क्या कहेंगे इंग्लिश में? चलो कोई बात नहीं। चलिए एक सवाल, मैं मदरसे में मेहनत से पढ़ता हूं। आई रीड इन मदरसा। आई रीड इन मदरसा। मेहनत, हार्डवर्क। हार्डवर्क को जोड़ो, कैसे पढ़ेंगे? आई रीड इन मदरसा विद हार्डवर्क। क्या बात। माशाल्लाह ये एक तालिबे इल्म है, क्या बताया? रिहान जी, मोहम्मद रिहान। मोहम्मद रिहान जो मदरसे में पढ़ते हैं। तीन साल हो गए आपको? जी तीन साल हो गए। माशाल्लाह फिर भी बहुत अच्छा है। इस मदरसे के बारे में बताया जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बच्चों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा मेहनत की जाती है, हालांकि और मदरसे भी हैं, सब में मेहनत की जाती है।